हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं अभी अपने गार्डन से शुरू कर रही हूँ इस वीडियो को। देखिए, मेरे सासू माँ यहाँ पे गुड़ाई कर रही है। इनको मना करने के बावजूद भी इनका मन नहीं लग रहा है, तो ये कह रहे थे कि मैं थोड़ी देर के लिए गार्डन में जाऊँगी, क्योंकि इनको घर में आदत पड़ी हुई है गाय का काम करने के लिए। तो यहाँ पर खाली बैठे बैठे ये बोर हो रहे, तो हमने कहा चलो जितना आपसे हो सकता है तो आप उतना ही गार्डन में काम करना। और आजकल इवनिंग के टाइम पे सारे लोग अपने गार्डन में काम करते हैं। सब ने आजकल बेल लगा रखी है और सब्जियां लगा रखी है। देखिए, ये देखिए, सारे लोग अपने गार्डन में काम करें। यहाँ पे बगल में सिंह आंटी है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बेल लगा रखा है। और आंटी क्या क्या है? कद्दू की बेल है, लौकी की और खीरा की, और इन्होंने बाल्टियों में भी काफ़ी बेलें लगा रखी है। और ये भैया घूम रहे हैं। परी, हेलो परी, कब आए? तो ये आंटी जो भी लगाती है इनके हाथों से सब उग जाते हैं, और मैं जो भी लगाती हूँ मेरे हाथ से कुछ नहीं उग पाता है। आंटी के हाथों में मुझे लगता है जस है। और देखना कितने गमले आंटी ने खाली कर रखे हैं, उसमें आंटी शायद कुछ लगा रही है। क्या लगा रहे हो आंटी? अभी फूल लगाऊंगी। अच्छा, प्लांट कहाँ से लाए? फूल घर ही में? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो देखिए, ये हमारे पड़ोस में आंटी के भी गार्डन काफ़ी हरा भरा हो रखा है। और हमारी सासू माँ बोल रहे काफ़ी टाइट हो रखा है, सूखा हो रखा है पूरा गार्डन, जबकि हम सुबह शाम पानी देते हैं, फिर भी ज़मीन इतनी सूखी हो रखी है कि वो कुदाल से खुदा भी नहीं जा रहा है। बैंगन और ये बैंगन के हरे भरे पौधे हो रखे मेरे, बैंगन अच्छे हो रखे। और ये टमाटर के पौधे हैं मेरे, जिसमें टमाटर लग रहे हैं। एक टमाटर निकाल दिया? नहीं नहीं, ये ना अब कल या परसों में निकालूंगी, थोड़ा अच्छे तरीके से पक जाएगा ये। जो पीस में। हाँ, और ये मैं अपने टमाटर के पौधे से एक टमाटर निकाल चुकी हूँ। ये एक एक करके पक रहे हैं और इसको मैं फ्रिज में इकट्ठा कर रही हूँ। ये देखिए, ये पपीता मेरे पेड़ से निकले हैं और अभी मैंने पपीता भी निकाला। ये है पपीता, पर ये छोटे छोटे हैं पपीता, ये ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे हैं। तो अब बाद के पपीते कैसे होते हैं? तो काफ़ी टेस्टी है पपीता। हमने एक पपीता पहले खा चुके हैं तो काफ़ी मीठा पपीता था, तो अभी ये हमारा दूसरा पपीता निकल रहा। और सारे पपीता ऐसे सड़ के नीचे झड़ गए थे। और अब मैं इवनिंग वॉक के लिए जा रही हूँ, और मैं आज अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ इवनिंग वॉक के लिए। और आजकल इवनिंग वॉक करने में बहुत मज़ा आता है। सर्दियों में तो काफ़ी ठंड लग जाती थी, तो सर्दियों में कम ही जाती थी, तो गर्मियों में अच्छा लगता है इवनिंग वॉक करने के लिए। और आज हम गाड़ी से जा रहे हैं टी गार्डन। इसको टी गार्डन के पास में खड़ी कर देंगे गाड़ी को, और दोनों हस्बैंड वाइफ वॉक करेंगे। आज काफ़ी का कितने एक साल के बाद एक साल के बाद हम दोनों एक साथ इवनिंग वॉक करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हरियाली हरियाली शुरू हो जाती है। बस हम पहुंचने वाले हैं टी गार्डन के पास में। और सामने जो ये मंदिर दिख रहा है, ये काली माता का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पे काफी बड़ा पीपल का पेड़ है, ये क्या है? जय काली माता। और हम पहुंच चुके हैं टी गार्डन में। अंधेरा होने वाला है, लेट हो गया आज काफ़ी। कोई बात नहीं, आज आज आप अपने हस्बैंड के साथ है ना, डोंट वरी। हाँ,
टी गार्डन की वीडियो बना रखी है, पर उस टाइम पे मुझे वीडियो बनाना नहीं आता था कि वीडियो कैसे बनाया जाता है। मैंने सीधे में लिया था उस टाइम पे। तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि ये थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि उसी जगह पे आ चुकी है। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि कैसे लेते हैं वीडियो। तो आज मैं अब मुझे पता चल गया कैसे लेते हैं। तो ये है देहरादून का टी गार्डन। वैसे देहरादून में काफ़ी टी गार्डन है, देहरादून के वसंत विहार इलाके का टी गार्डन। देहरादून में बहुत बड़े बहुत सारे टी गार्डन हैं, लेकिन ये टी गार्डन अंग्रेजों के टाइम का, वसंत विहार अंग्रेजों से जमाने का पहले का ही। हाँ, उससे भी पहला, उससे पुराना है। और यहाँ पे काफी लोग, बहुत हरा भरा होता था, बहुत ये चाय अच्छी। हाँ, लेकिन अब धीरे धीरे ये खत्म हो रही है। यस, अब हम 360 डिग्री व्यू टी गार्डन का क्लॉकवाइज। वेरी नाइस। और काफ़ी पहले हम जब यहाँ घूमने आते थे, सारे पेड़ों पे पत्ते नहीं थे, पूरे पेड़ सूखे ही सूखे लगते थे। और आजकल देखिए, पेड़ों पे ही पत्ते हैं, और कुछ पेड़ों पे कोंफले निकल रहे हैं, और किस पे तो पूरे पत्ते आ चुके, पूरे हरे भरे लग रहे हैं। और ये देखिए, और ये देखिए, टी गार्डन में लोग ही नहीं घूमते हैं, यहाँ पे गायें भी काफ़ी घास चुगने के लिए आई रहती है। और ये मॉर्निंग के टाइम से छोड़ देते हैं गायों को, और इवनिंग में लेके दूध आ निकाल के फिर उनको यहीं छोड़ देते हैं। ये गायें रात में भी यहीं रहती है। यहाँ पे पशुओं के लिए काफ़ी हरा भरा चारा मिल जाता है, तो ये यहाँ पे अच्छे ढंग से चुग जाते हैं घास। और देखिए कितना अंधेरा होने वाला है। और ये देखो, मेरे पीछे छुप रहे हैं मेरे हस्बैंड, जो हर वीडियो में बस हाथ ऐसे करते रहते हैं, बल्ले 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 बल्ले। हाँ, और ये काफ़ी दिनों के बाद इतनी दूर आ रहे हैं घूमने के लिए। क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है, तो बिजी हो जाते तो हैं। आप जब पहले हम दोनों मॉर्निंग के टाइम पे आते थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था आप लोगों आपका? मेरा? हाँ, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुहाना मौसम, और बहुत ही मॉर्निंग में वो ओस की बूंदें घास में पड़ी हुई। यस, तो इतना सुंदर लगता था पूरा। वी आर वेरी लकी दैट वी हैव सच अ ग्रीन ट्री अराउंड अस। यस, प्लीज, इतना अंधेरा मुझे आज ही हुआ। नहीं नहीं, तो पारुल कोई नहीं ले जाएगा यहाँ से। पारुल, इतने अंधेरा हमें होता ही नहीं। पारुल और मेरे को यहाँ पे इतना अंधेरा नहीं होता है। आज काफ़ी अंधेरा हो गया, ये भी आपके वजह से। प्लान करती हूँ कि मॉर्निंग में ही घूमा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह में मेरे से उठा नहीं जाता है, मेरी मॉर्निंग 8 बजे शुरू होती है। नहीं, आलसी आलसी नहीं बोलते इसको, क्योंकि रात में लेट में सोती हूँ, तो फिर सुबह जल्दी कैसे उठ पाऊंगी। सुबह के सुनहरे पलों को मिस नहीं करना चाहती हूँ, सोने में आनंद लेना चाहते हैं। हाँ, तो मुझे लग रहा है अपनी कॉलोनी में सबसे लेट में मैं ही उठती हूँ, सारे लोग उठ जाते हैं, और मेरे हस्बैंड भी मॉर्निंग में उठ जाते हैं, और ये मुझे कुछ नहीं कहते कि क्यों नहीं उठ रही है। हाँ, सुबह के टाइम पे ये अपना वॉक करके आ जाते हैं और मैं सो ही रहती हूँ। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।